भारत माता है ना, वो अपने बेटों को कभी गलत बोलती नहीं है, उनको पता भी लग जाता है, फिर भी वो बोलती है नहीं 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 मेरा बेटा तो बहुत सीधा है। मैंने बोला कि अब मैं आंटियों के पैर भी छूता हूँ तो मम्मी बोलती है हाँ तो वही सोच रहा होगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक काफ़ी डिफरेंट वीडियो के ऊपर। रिएक्शन वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, एंड जो रिएक्शन वीडियो है आज का वो है अभिषेक उपमन्यु के ऊपर। एंड गाइज, अगर आप लोगों को नहीं पता तो ही इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडियन एंड बहुत अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, लाइक बिल्कुल भी बोर नहीं होने देते हैं एंड समा बन देते हैं। तो उनका वीडियो का जो टाइटल है वो है पॉन। तो आज हम पॉन देखेंगे, मतलब वो वाला पॉन नहीं, हम आज स्टैंड अप कॉमेडी देखेंगे पॉन टॉपिक के ऊपर, जो कि टॉपिक इन्होंने उठाया अभिषेक उपमन्यु ने। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, और या बस चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस वीडियो कंटेन्स ओकेशनल यूज ऑफ बैड वर्ड्स, प्लीज डू नॉट वॉच इट विद योर पेरेंट्स और किड्स। और उसके बाद एक फाइनल हादसा हो गया, जिसके बाद तो रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई है कि आज तक उभर नहीं पाया उससे। लाइक मैं 8th में था, और सुबह से मेरा दोस्त मेरे घर आया, उसने मुझे आके पॉन दी, कहता देख ले। मैं कहा ठीक है। तो नहीं, मेरा मन भी था ये नहीं कि चल तेरले देखूंगा आज मैं, यार सिर्फ तेरले बहुत मन था, ज्यादा ही था कुछ तो बच्चों में घर वालों घर में पॉन देखता था, तो उनको नहीं पसंद ये सब। हाँ, मेरा देखना नहीं पसंद, खुद पसंद होगा तभी मैं आया हूँ ना। ये सही पॉइंट है, बहुत सही पॉइंट। मैं घर ऐसे पॉन देखता, पॉन लगा के ऐसे पूरी फुल स्क्रीन भी नहीं किया, इतना विंडो खोल के, बस वो क्रॉस होता है ना विंडो क्लोज करने वाला, उसके ऊपर माउस पॉइंटर रख के यहाँ किताब खोल के ऐसे सेक्स देख रहे हैं। चुप चुप के पापा के अभिषेक पढ़ रहा था वो पैर से करते ताकि वो ना हो ना थोड़ा। और ऐसे मजा आता है ना पॉन देखने में कि आप देख सेक्स रहे हो और सारा ध्यान आपके पापा के टकले पे। तुम्हें क्या सोचता था, तुम्हें पॉन देखते देखते तुम्हें मौके की तलाश में था और मौका मिल गया। मेरे घर में गेस्ट आ गए, मैं कहा ये पापा वहां बिजी होंगे, लड़ेंगे वहां जाके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और मैं यहां इन सब चीजों से ऊपर उठ चुका हूं। तो बस फिर पापा वहां गए, हमें तकिया पीछे फुल स्क्रीन लेट के मैसेज सजा लिया अपनी, मैं कहा हाँ थैंक यू जॉर्ड, थैंक यू तमेव माता पिता तमेव, सब सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तभी मेरे डैड आने लग गए रूम में किसी काम से, और मैं पता नहीं कौन सी फील में था, मैं भूल ही गया कि ये सब छुपाना होता है। अंदर आ गए, देख लिया, तो 5 सेकंड तक तो हम दोनों ने देखी। क्योंकि आई थिंक वो भूल गए कि डांटना होता है। अरे HD क्वालिटी कहां से मिली है? देन रियलाइज क्या हुआ, तुमको गुस्सा आया, करे क्या ये? मैं कहा ये ब्लो जॉब। करे क्या है ये सब? मैं कहा विद कॉन्टेक्स्ट। बुरी बात है, काफी बुरी बात है, अब कुछ तो ड्रामा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी हाँ पॉन देख रहा हूँ, काम करो ना, ये तो कोई ऑप्शन नहीं था, आज भी नहीं है, होगा भी नहीं कभी मुझे लग रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने घटिया एक्टिंग शुरू कर दी। मैं कहा 14 साल के हैं, 40 साल के आदमी को एक्टिंग करके बेवकूफ बना लेंगे, इनको क्या ही पता है। तो मैंने सीडी निकाली, मैं कहा आयुष तो बोल रहा था कि कोई एक्शन मूवी देगा।
इसमें तो एक भी फाइटिंग सीन नहीं था, सारे गंदे गंदे सीन थे। कर अच्छा किसने दिए? मगर आयुष ने। कर आयुष को बोलो उसके पेरेंट्स से बात करने आ रहे हैं हम लोग अभी, अभी उसके घर जा रहे हैं और तुम भी चलो तैयार हो चलो। मैंने आयुष को फोन किया, वो वहां पे एक्साइटेड है। कर आ भाई कैसी लगी? आगे स्वाद मगर बहुत ही बढ़िया थी। पापा को पसंद आ गई है और तेरे पेरेंट्स को रिव्यूज देने आ रहे हैं अभी। बोलो लगे नहीं भाई अभिषेक भाई नहीं, अपने बाप को रोक, अपने बाप को रोक, मैं तेरा कुत्ता बनूंगा जिंदगी भर, मैं तेरा जिंदगी भर कुत्ता बनूंगा भाई, तू मेरे साथ जो मर्दी कर ले भाई, तू प्लीज यार तू मेरे मुंह में रोज मूत लियो। मैं कहा मुझे नहीं मूतना तेरे मुंह में यार। कहे प्लीज यार एक ड्रॉप। मैं कहा नहीं यार। तू बहुत गलत टाइप की पॉन देख रहा आजकल। अच्छा मैं देखता हूँ। मैं पापा है, मैं कहा पापा सुनो हमें उसके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहे क्यों? मैं कहा उनका बच्चा बिगड़े हमें क्या है, हम अपना इंटरनल फैमिली मैटर सॉल्व कर लेते हैं ना, ये भी तो एक इशू है। कह सही बात है, तुम तो चलो। मैं कहाँ चलो? कैन ड्राइव पे का ये मर्डर कर देंगे मेरा। ये संस्कारी टाइप के आदमी, इनको बुरा लग गया, मेरी ऑनर किलिंग हो रही है आज। ऑनर किलिंग तो मैंने सेफ्टी के लिए कटर जेब में रख लिया। मैं कहा अब लड़के मरूंगा ऐसे तो मैं भी नहीं मर रहा, ठीक है पॉन के पीछे जान दे रहा मैं अपनी। आपका बेटा कैसे मरा? ठरक चढ़ गई थी। तो ड्राइव पे लेके गए और ड्राइव पे वहां लेके गए जहां ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को। वो पूरा खाली एरिया तो खाली एरिया वहां लेके जा रहे हैं और भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। 15 मिनट हो गए कुछ नहीं बोला और मेरा शक और गहरा होने लग गया। पापा सच में मार देंगे यार, पापा इस बात के पीछे सब भूल गए जो पल बिताए थे हमने। मैंने कहा इससे पहले पापा कुछ करें मैं ही साइलेंस तोड़ देता हूं। मैंने कहा पापा वो यहाँ जगजीत सिंह की सीढ़ियां पड़ी होती थी नहीं मिली। जगजीत सिंह तुम बहुत ऊपर उठ चुके हो। देखो बेटा लाइफ के तुम्हें कैसे मोड़ पे पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे सही और गलत। मैं कहा सामने वाले रास्ते पे ध्यान दे लो, गाड़ी ठुक जाएगी हम मर जाएंगे, हम फेमस भी नहीं है, लोग कहेंगे दो फुद्दू आए थे बहन चो खाली एरिया में गाड़ी ठोक के चले गए। मैं कहा बात दबा दो ना, बात दबा दो प्लीज यार पापा बात दबा दो। मेरे बाप ने बहुत बड़ा हरामपना कर दिया, जाके मेरी मॉम को बताता। पता नहीं क्या सगे हैं अपनी बीवी के, इनको चुगली करनी है हर बात वहां जाके। मगर वहां क्या बताते रहते हो यार, तभी तो हमारा रिश्ता नहीं स्ट्रांग हो पा रहा, ट्रस्ट ही नहीं है हमें कोई। और पता है मैं सही बताऊं डैड तक फिर भी ठीक था। मगर ठीक है डैड हैं समझ जाएंगे, क्या तो खुद भी करते हो, मुझे को मतलब नहीं उससे। मॉम को बताना ज्यादा ऑकवर्ड है बिकॉज मेरी मॉम के सामने अब फॉर लाइफ टाइम मेरी इनोसेंस गई ना, गई में इनोसेंस जो बचपन से साइड पार्टीशन कर करके इमेज बनाई थी सब खत्म है अब। उनको लग रहा है बेटा ठरकी है मेरा, अब मैं आंटियों के पैर भी छू रहा हूं। मैं कह रही हाँ सोच तो वही रहा होगा। मैं नहीं यार। ऑलराइट लेट्स किक द
गाइस, तो ये थे अभिषेक उपमन्यु एंड बहुत अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी इन्होंने किया। मुझे एक मिनट के लिए भी कहीं भी बोरिंग नहीं लगा, पूरा वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसलिए जो बाप और बेटे का जो कॉन्वर्जेशन उन्होंने दिखाया, एक स्टोरी से क्रिएट करके दिखाई कि उनके साथ ऐसा कुछ घटाला हुआ नहीं था, वो एक स्टोरी टाइप क्रिएट की थी। एंड ये स्टोरीज बहुत अच्छी क्रिएट करते हैं स्टैंड अप कॉमेडीज के अंदर, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। स्पेशली वो जो मदर वाला पार्ट था, लाइक सीरियसली यार ऐसा होता है, एवरी इंडियन मॉम जितनी भी हमारी भारत माता हैं उनके लिए जो उनके लाल, उनके सपूत, उनके जो बेटे होते हैं ना, वो हमेशा बहुत इनोसेंट होते हैं। चाहे बेटा कितना भी कमी ना क्यों ना हो, लेकिन माँ की नज़र में ना माँ का लाडला हमेशा वो उनका लाडला ही रहता है। और जैसे कि वो बताया कि मैं साइड पार्टीशन वाली, मेरी एक इमेज ख़राब हो गई, दैट पार्ट वॉज सो फनी सीरियसली। जो मतलब वो एक सुनने में रियल बिल्कुल लग रहा था कि यार हाँ बंदे की इमेज तो ख़राब हो गई, इसके असलियत सामने आ गई। भारत माता है ना, वो अपने बेटों को कभी गलत बोलती नहीं है, उनको पता भी लग जाता है, फिर वो बोलती नहीं नहीं मेरा बेटा भी बहुत सीन है। बट इसमें उन्होंने यही दिखाया कि मेरी इमेज पूरी ख़राब हो गई, स्पेशली वो वाली लाइन जब उसने बोला कि मैं आंटी के पैर भी छूता हूँ, तो मम्मी बोलती है हाँ तो तू वही सोच रहा होगा। तो बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया वीडियो, एक सेकंड के लिए भी बोरिंग कहीं भी नहीं लगा। तो ये था मेरा रिएक्शन अभिषेक उपमन्यु के स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर। तो आई एम श्योर आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो, पसंद आया अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय।